संबल के थाना केला देवी क्षेत्र ग्राम निरावली का मामला। पीड़ित महिला थाना केला देवी के लगा रही है चक्कर, पुलिस ने नहीं की कोई कार्यवाही। पीड़ित महिला के घर घुसकर दबंग ने महिला के साथ की मारपीट। मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीड़ित महिला ने थाना केला देवी में प्रार्थना पत्र देकर लगाई न्याय की गुहार। थाना केला देवी ग्राम निरावली की पीड़ित महिला रूबी ने प्रार्थना पत्र देकर गांव के ही दबंग लोगों पर आरोप लगाया है। राकेश जुगेली, बीरेश नरेश, नन्ने आदि पर लगाया मारपीट का आरोप। पीड़ित महिला का कहना कि गांव की दबंग लोग मेरे घर में घुसकर मेरे साथ मारपीट की और सोने के कुंडल छीन ले गए और मेरे कान में गंभीर चोट है। क्या नाम है तुम्हारा? रूबी। कहाँ रहती हो? मैं निरावली। निरावली थाने में आई हो, क्या मामला है? थाने में आई हूँ, मेरे घर में ये जो नाई है, कम से कम 100 जनों का परिवार है इनका। क्या नाम है? एक का है धीरेश, एक का है हेम सिंह और बाप का नाम है नन्ने। क्या हुआ? और उसका है का नाम है अमर सिंह। तो क्या हुआ? मेरे संग में हत्तापाई करी, मेरे घर में घुसी आई ये लोग। कब की घटना है ये? 8:30 की सवेरे की। तो थाने में प्रार्थना पत्र नहीं दिया तुमने? मैंने दिया था, इन्होंने मेरी कोई सुनवाई ना करी। पुलिस अभी तक पुलिस ने मेरे घर पाँव नहीं पैर नहीं मारा है, ना का नाम है कोई भी उन्हें उठाया है उन्हें उन लोगों को, और ना कोई इन्होंने वो करा है, जांच उच करी है, कुछ नहीं। तो क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ ये सब ये जेल पे जाए, मेरे संग में हत्तापाई करी है, छेड़ाछाड़ी करी है इन्होंने। और ये चोट जो लगी है आपके कैसे लगी है? ये काना कोई धारदार हथियार से वगैरह? कोई चप्पू से मेरे कान फाड़े गए हैं, कुंडल पुंडल सब ले गए। क्या नाम है जी आपका? विशेष शर्मा। रूबी कौन है आपके? घरवाली। घरवाली है। क्या मामला हुआ है ये लड़ाई को लेकर? साहब मैं तो खेत में था, इसके घर पे आके मारी है ये और छेड़छाड़ करी है, इसके कान भी चाकू से फाड़ गए, इसके कुंडल लगा निकले गए। कौन? दिनेश और वो राकेश और एक अमर सिंह था और जी जुगली साथ जुगली था और नरेश था, ये 5 लोग थे और इसकी इनकी सभी घरवाली थी। तो थाने में प्रार्थना पत्र दिया आपने? वो थाने में 4 को हमने रिपोर्ट दी, हमारी साहब कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, नहीं उसके दूसरे पुलिस ने लोग खुलमा गांव में घूम रहे हैं गुंडे की तरह। पुलिस ने कोई कार्रवाई ने कोई भी कार्रवाई करके नहीं दी। तो अब क्या चाहते हैं? हम तो साहब यही चाहते हैं कि इन्हें दंड मिलना चाहिए और इन्हें जेल जाना चाहिए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।